इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। वार्ड नंबर 18 जो जहाँ जहाँ पे बूथ वाइज जे था 18 वार्ड नंबर 18 से, तो उसको वीपैट मशीन ही नहीं था। तो ये मशीन नहीं रहने के बाद लोग बहुत परेशान हो गए। वो वार्ड से ये वार्ड को वोटिंग नहीं है, वो वार्ड से ये वार्ड को वोटिंग नहीं, लोगों का हुआ नहीं, तो इतना परेशान हो गए लोग, कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है लोगों को क्या हुआ है करके। तो वीपैट मशीन ही नहीं था, और पर्ची आने के बाद जब किसको वोट डालते हम, वो वोट स्लिप आता था, वो स्लिप नहीं आता था, वो मशीन ही ज्वाइन नहीं किया। एक्चुअली ये जो इलेक्शन हुआ है तो उसको री इलेक्शन करना चाहिए, और ये महानगर पालिका सुपर सीट होना चाहिए। वार्ड नंबर 18 में जो लास्ट टाइम में जो इलेक्शन हुआ कॉरपोरेशन का, इसमें मैं वोट डाला, ये मुझे पता है, मैं किसको डाला ये मुझे नहीं मालूम है। जो वीवीपैट का जो आप दिखता है हमारे इलेक्शन में होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि वीवीपैट यूज़ होना चाहिए, तो हमारे सोच के खेल यो है आगे है कि ये इलेक्शन वीवीपैट के बगैर कैसा हुआ। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो हम सब मानना चाहिए, लेकिन उच्च अधिकारी इन लोग ही जब कोर्ट का आदर नहीं करेंगे तो फिर आम जनता कैसे करेगी। वार्ड नंबर 18 से जो वीवीपैट मशीन नहीं थी, तो उसके लिए हम हमारे वार्ड से हम सभी हम ये किए कि रीइलेक्शन होना मांगता है। क्या बात, हम लोग का अभी इलेक्शन के वोटिंग डाले तो वीवीपैट मशीन नहीं था उधर, हम लोग वोट डाले, हम लोग को पता नहीं कि हमारा वोट किसको गया, तो वीवीपैट मशीन चाहिए और एक बार रीइलेक्शन करो। ये फंक्शन जो है हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे क्लासमेट समीउल्लाह माड़ी वाले उनके गुरपोशी के एवज में इंतजाम किया गया है। और ये मत समझना कि हम लोग लीडर हो गए यहाँ बोल रहा हूँ करके, मैं भी तुम्हारे समय से ही हूँ। इस करके उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, सबके कॉन्टेक्ट लिए, और एक साल भर की कोशिश उनकी रही है हम सबको जोड़ने में। ये बहुत बड़ा मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और हमारे इसके जो है प्रोग्राम के जो मिडल पॉइंट है वो है समीउल्लाह माड़ी वाले। उन्होंने है कि नहीं वार्ड नंबर 11 से बहुत सारे उनके अपोनेंट थे, अपोजिशन भी ज्यादा थी, उसमें अपनी फाइट करके उन्होंने है कि नहीं अपनी काबिलियत के हिसाब से और उनके सोशल वर्क के हिसाब से लोगों ने चाहा और कांग्रेस की सीट से उनको है कि नहीं इलेक्शन जिताया है।
आज हमारा सबका जुड़ने का मकसद हमारे क्लासमेट शर्मिला माड़ी वाले जो बल्दिया इलेक्शन में वार्ड नंबर 11 से जीत के आए हैं कांग्रेस से, उनको हमने आज निर्मल अफजाई और खुशी की है हमारे 1990 बैच इस्लामे के तरफ से स्कूल के क्लासमेट्स के। शर्मिला भाई वैसे तो सोशल फील्ड में बहुत सालों से इन्वॉल्व है और अंजुमन में सेक्रेटरी के तौर पे वो काम अंजाम दे रहे हैं अपना, और पिछले 1.5 साल से जो कोविड सिचुएशन बेलगाम में और पूरे दुनिया में जिस तरह से सिचुएशन आई है उसमें बेलगाम भी वो छुटा नहीं था उसमें। तो शर्मिला और राजू सेठ है जो अंजुमन की टीम है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे सिलेंडर ऑक्सीजन का जो शॉर्टेज था वो शॉर्टेज को बेलगाम में महसूस होने नहीं दिया, उनकी वजह से सिलेंडर हर एक को मिला जिसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और उन्होंने बहुत काम किया है उसमें। और अभी आने वाले दिनों में बाहिसीते कॉरपोरेटर वो अपने वार्ड में और हमारी उम्मीद है कि वो पूरे बेलगाम के लिए काम करेंगे। शर्मिला जब जिस दिन रुका है करके मालूम पड़ा तो मैं आरिफ बोलिया को बोला मैंने जीता है इंशाल्लाह, बिकॉज देखो हम लोग सबको मालूम है सब साथ में बचपन से लड़के पढ़ के बड़े हुए कि जिसकी जो पोजीशन रहती है शख्सियत जो रहती है उन दोनों फेमस रहती है। शर्मिला ने काम किया उन्होंने काम किया और दिल से किया है, रात दिन अपनी तबीयत का जान माल का सब छोड़ के सब काम किया किया तो आना जरूरी था, अगर वो नहीं आता तो फिर इंसानियत खत्म हो गई समझ में आता कि वो अच्छे लोगों की जरूरत दुनिया को नहीं सब चोरे चपाटे की जरूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यही तक बोला था आरिफ को, आरिफ है अभी ये इंशाल्लाह मेयर की सीट है लेवल पर और काम नहीं देखो कोई छुप के काम करते हैं कोई काम करते हैं दिख जाता है तो अल्लाह सबके काम को कबूल करे और काम दे। अल्लाह का एहसान है कि हम सौका दिया है कि आप सबसे ये दुआ है कि मैं रिप्रेजेंट करूँ अपने लोगों का तो सही तरीके से करूँ अल्लाह तरीके से करूँ तो सही है। बहुत सारे लोग पहले ही बोल देते हैं कि कॉरपोरेशन में आए चलो अभी तो ये नहीं होना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए लोगों की, हर आदमी ऐसा नहीं होता और अच्छे हम एक एग्जांपल सेट करेंगे इंशाल्लाह क्या है हम इस्लाम और हमारा ईमान क्या है और हम लोग क्या कर सकते हैं। हमने अंजुमन में काम किया, अंजुमन पूरी टीम खड़ी लेबर क्लास से लेकर जो हाई क्लास से डॉक्टर से पकड़ कर उनसे बात से हम लोग बता नहीं सकते उनका जितना शुक्र अदा कर बहुत कम। और खासकर जो बड़े टीम जो हमारी बनी थी अल्लाह उनको जजाए खैर दे, उन्होंने जो काम किया है वो शायद ही किसी दुनिया में काम हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़करिया मस्जिद आज़म नगर सेकंड क्रॉस से कोविड वैक्सीन का एहतमाम किया गया है, टोटल 400 कोविड वैक्सीन लाए गए थे, अभी करीब 3:30 बज रहे हैं, 350 कोविड लगा चुके हैं और 50 लगा रहे हैं। ये ज़करिया मस्जिद की तरफ से पूरे लोगों को और कन्नड़ा हो मराठी हो या वो मुसलमान हो सबके लिए ये वैक्सीन दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये दिवस बेलगाम ज़करिया मस्जिद कमिटी वतियिंद वैक्सीन कोडो व्यवस्था ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಒಟ್ಟು 450 ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಂದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 350
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದವರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.